गुड आफ्टरनून स्टूडेंट्स। इसमें आज का हमारा टॉपिक है फोर्थ चैप्टर स्टार्ट करने जा रहे हैं इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड। ठीक है, इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड से पहले हमने जो लास्ट वीडियो पढ़ा था कि आपका लॉ ऑफ डिमांड क्या था। देखिए, लॉ ऑफ डिमांड में क्या था कि हमारा ये कॉन्सेप्ट था कि अगर प्राइस हमारी, देखिए इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड को समझने से पहले हम कुछ एक कॉन्सेप्ट समझेंगे कि होता क्या है, इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड क्या होता है। देखिए कि जब हम प्राइस हमारी क्या होती थी, हम अदर थिंग्स को कांस्टेंट रखते थे, हम प्राइस बढ़ती थी तो हमारी डिमांड क्या होती थी, घटती थी, और जब प्राइस हमारी घटती थी तो हमारी डिमांड क्या होती थी, बढ़ती थी। ये हमारा कॉन्सेप्ट था। लेकिन ये तो लॉ ऑफ डिमांड बता दिया ना, ये लॉ ऑफ डिमांड है कि अदर थिंग कांस्टेंट को रख करके, जैसे कि आपका सीज़न हो गया, वेदर हो गया, टाइम पीरियड हो गया, टेस्टिंग प्रेफरेंस हो गया, लोगों की इनकम क्या है, उसको अगर हम कांस्टेंट रख करके सिर्फ प्राइस को और डिमांड का रिलेशन देखें तो ये होता है कि जब प्राइस इंक्रीज होती है डिमांड कम होता है, और जब प्राइस कम होती है डिमांड बढ़ती है। तो प्राइस और डिमांड में कौन सा रिलेशन होता है हमारा, इनवर्स रिलेशन होता है। क्या होता है, इनवर्स रिलेशन होता है, इनवर्स रिलेशन। ठीक है, लेकिन अब यहाँ पे ये समझिए कि आखिर इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड होता क्या है। इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड का मतलब ये होता है, इलास्टिसिटी डिमांड का मतलब कि प्राइस बढ़ने से डिमांड में अगर कमी आ रही थी, कितनी कमी आ रही है, हाउ मच। तो मतलब कि प्राइस अगर घट रही डिमांड बढ़ रही है तो कितनी बढ़ रही है, हाउ मच। ठीक है, ये मैकेनिज्म है। तो ये जो हाउ क्वेश्चन है ना, ये चीज़, ये इसी को बोलते हैं इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड, कि अगर मेरी प्राइस में अगर चेंजेस कुछ होती हैं, ठीक है, तो हमारे डिमांड में क्या फ़र्क आता है, कितना फ़र्क आता है। हमसे लॉ ऑफ डिमांड में ये पढ़े थे कि प्राइस के बढ़ने से डिमांड घटती है और प्राइस घटने से डिमांड बढ़ती है, इतना जानते थे। लेकिन कितना बढ़ती कितना घटती, ये हम पढ़ेंगे इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड में पढ़ेंगे। यही होता है इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड। इज इट क्लियर? अब आइए हम डिफिनेशन पढ़ते हैं कि इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड रिफर्स टू द परसेंटेज चेंज इन डिमांड। ठीक है, परसेंटेज चेंज इन डिमांड फॉर अ कमोडिटी विथ रेस्पेक्ट चेंज इन एनी ऑफ द फैक्टर्स अफेक्टिंग डिमांड फॉर दैट कमोडिटी। कहने का मकसद ये है कि इलास्टिसिटी डिमांड उसको कहते हैं कि अगर कोई, सिर्फ इलास्टिसिटी डिमांड की बात कर रहा हूँ मैं, इलास्टिसिटी डिमांड रिफर्स टू द परसेंटेज चेंज इन डिमांड, कि डिमांड में किसी कमोडिटी की डिमांड में कितना परसेंटेज चेंज हो रहा है किसी के फैक्टर के चेंज होने से, किसी के फैक्टर के चेंज होने से, उसके इफेक्ट से हमारी डिमांड में कितना चेंजेस हो रहा है, उसको बोलते हैं इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड। विद रिस्पेक्ट चेंज इन एनी ऑफ द फैक्टर अफेक्टिंग डिमांड फॉर डेट कमोडिटी, किसी कमोडिटी, कोई भी फैक्टर है जिससे कमोडिटी में हमारे चेंजेस आ रहे हैं, तो कितना परसेंटेज चेंज आ रहा है, इसी को बोलते हैं इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड। तो इलास्टिसिटी डिमांड को कहिए, इसका फार्मूला ये होता है कि परसेंटेज चेंज इन डिमांड फॉर एक्स कोई गुड्स है, ठीक है, तो कितना चेंज आया उसके गुड्स में, अपॉन परसेंटेज चेंज इन फैक्टर अफेक्टिंग डिमांड फॉर एक्स। ये हमारा इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड होता है। ठीक है, अब देखिए, अब इलास्टिसिटी डिमांड के बाद पहला हमारा क्या है, प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड। ठीक है, तो प्राइस, चाहे आप इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड कहिए चाहे प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड कहिए, ठीक है, बात एक ही हुई। ठीक है, तो प्राइस ऑफ इलास्टिसिटी डिमांड क्या होती है, इट इज़ द मेजरमेंट ऑफ चेंजेस इन एनी क्वांटिटी, ये क्वांटिटी के लिए, क्वांटिटी डिमांड ड्यू टू चेंज इन प्राइस ऑफ ए कमोडिटी, किसी कमोडिटी के प्राइस में चेंजेस होने से उसकी कमोडिटी में, उसकी डिमांड में कितना चेंज आता है, इसको बोलते हैं प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड। जो यही चीज़ है, ये यहाँ पर वही सेम चीज़ है। इसको मैं एक और डिफिनेशन इसमें है, संदीप गर्ग की बुक में दिया हुआ है, इट रेफर्स टू द डिग्री ऑफ रिस्पॉन्सिवनेस ऑफ डिमांड फॉर अ कमोडिटी विथ रेफरेंस टू चेंज इन द प्राइस ऑफ सच कमोडिटी। कहने का मकसद यहाँ पर है कि
डिमांड में कितना रिस्पांस दे रहा है, कितना चेंजेस हो रहा है किसी पर्टिकुलर कमोडिटी के उसकी प्राइस के चेंज होने से। तो मतलब ये कह रहा है कि किसी की प्राइस, किसी कमोडिटी की प्राइस में अगर कुछ वेरिएशन आता है, चेंजेस आता है, तो उसका क्या जवाब होना चाहिए, उसका क्या आंसर होना चाहिए उसकी कमोडिटी में, उसकी डिमांड में, उसकी कमोडिटी की डिमांड में कितना चेंजेस आना चाहिए। डैट इज़ नोन एज अ प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड। इज इट क्लियर? अब आइए हम पढ़ते हैं कि इलास्टिसिटी डिमांड को कैलकुलेट करने के तीन मेथड होते हैं। पहला क्या हमारा परसेंटेज मेथड, इसको हम क्या बोलते हैं, प्रोपोर्शनेट मेथड ही बोलते हैं, ठीक है, प्रोपोर्शनेट मेथड। दूसरा क्या होता है, टोटल एक्सपेंडिचर मेथड, इसको बोलते हैं आउटले मेथड बोलते हैं। और थर्ड वन क्या हमारा होता है, ज्योमेट्रिक या पॉइंट मेथड होता है। तो इलास्टिसिटी डिमांड को कैलकुलेट करने के तीन मेथड होते हैं। पहला हम पढ़ेंगे प्रोपोर्शनेट या परसेंटेज मेथड। देखिए यहाँ पर परसेंटेज मेथड क्या होता है या प्रोपोर्शनेट कहते हैं कि इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड प्रोपोर्शनेट चेंज इन क्वांटिटी, कि हमारी क्वांटिटी में कितना चेंज आया, अपॉन प्रोपोर्शनेट चेंज इन प्राइस। मतलब कि मेरी प्राइस पहले कितनी थी, 10 थी, सॉरी मेरी पहले क्वांटिटी डिमांड कितनी थी, 10 थी, 10 से कितनी हुई, 12 हो गया। अब प्राइस हमारी कितनी थी, 10 सी थी, कितनी प्राइस घट के 8 हो गई, ठीक है। तो कितना चेंजेस आ रहा है, कि मतलब अगर मान ली डिमांड बढ़ रहा है, पहले डिमांड मेरी मान ली 50, मेरी डिमांड मेरी 50 यूनिट थी, अब 60 हो गई, लेकिन प्राइस कितनी थी हमारी, 50 थी, 60 हो गई, वो भी हो गई। या हमारी प्राइस कितनी थी, 50 से घट के कितनी हो गई, 40 हो गई। तो ये चीज़ कह रहा है, जो चेंजेस आते हैं उसको बोलते हैं हम लोग प्रोपोर्शनल चेंजेस इन क्वांटिटी एंड प्रोपोर्शनल चेंजेस इन प्राइस, ठीक है। इसमें माइनस का कुछ लेन देन नहीं होता है, कि मान लीजिए अगर मान लीजिए कि डिमांड मान लीजिए, ठीक है, 10 से 12 हो गई, ठीक है, तो 2 का चेंजेस आया। अब प्राइस कितना चेंजेस आया, प्राइस मान लीजिए 10 से 8 हो गई, तो कितना, 2 का चेंजेस आया। तो यहाँ माइनस 2 से मतलब नहीं है, ये ओवरऑल लेंगे, दो का चेंजेस आया, ठीक है। तो इसमें माइनस का लफड़ा नहीं होता है, ठीक है, याद रखिएगा, ठीक है। तो अभी ये देखिए क्या होता है, अब हम करेंगे कि प्रोपोर्शनेट चेंज इन द प्राइस, डेल्टा क्यू अपॉन क्यू, कितना चेंजेस आया हमारे प्राइस में, कितना चेंजेस आया हमारी ओल्ड, सॉरी हमारी क्वांटिटी में, कितना चेंजेस आया, कितना आया, 10 से 12 हो गया, 2 का आया। ओल्ड क्वांटिटी हमारी कितनी होगी, 10, यहाँ 10 लिख देंगे, अपॉन चेंज इन प्राइस अपॉन ओल्ड प्राइस, नई प्राइस जो रहेगी वो रहेगा यहाँ पर, और हमारा मतलब प्राइस कितनी हो गई हमारे, यहाँ कितना हो गया यहाँ पर, 10 से 2 हो गया, सर 10 से 8 हो गया, तो यहाँ पर 8 हो गया, और यहाँ ओल्ड हमारा कितना है, 10 हो गया। तो इसको इस तरह ले सकते हैं, डेल्टा क्यू अपॉन क्यू डिवाइडेड बाई डेल्टा पी अपॉन टी, पी हो गया, तो इलास्टिक डिमांड्स को डेल्टा क्यू अपॉन क्यू इंटू पी इंटू पी, इलास्टिक डिमांड डेल्टा क्यू अपॉन पी इंटू पी, इस फार्मूला लिख सकते हैं हम लोग, ये आपका फार्मूला तैयार हो गया, ठीक है। ये देखिए, ये क्या हमारा प्राइस हो गया, क्वांटिटी हो गया, डेल्टा चेंज इन प्राइस हो गया, डेल्टा को चेंज हो गया, ठीक है। तो ये हमारा क्या है, इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड हो गया। इज इट क्लियर? अब इस पर एक एग्जांपल हम लेके चलते हैं, ठीक है। जैसे मान लीजिए कि हमारी प्राइस कितनी थी और एक डिमांड देते हैं यहाँ पर, ठीक है। हमारी प्राइस मान लीजिए 10 थी और कितनी होगी, 11 हो गई। डिमांड कितनी थी, 50 थी, कितनी होगी, 40 हो गई, ठीक है। यह हमने 2 ले लिया, ठीक है। तो क्या उसके इलास्टिक डिमांड कितना होगा हमारा, निकाल लिया यहाँ पर, निकाल लिया डेल्टा क्यू, ये डेल्टा क्यू है, तो चेंज पहले कितना आ रहा है, 50-40 हो रहा है, तो 50-40 अपॉन डेल्टा पी कितना हो रहा है, चेंज कितना रहा, 11 से 10, ठीक है, इनटू ओल्ड प्राइस कितना हमारा, 10। न्यू प्राइस कितनी हमारी, न्यू क्वांटिटी कितनी हमारी, 50, सॉरी 40, 40 है ना यहाँ पर,
हमारी क्वांटिटी, ओल्ड क्वांटिटी कितनी है हमारी 50, ओल्ड क्वांटिटी कितनी हमारी 50 यहाँ लिख देंगे, ठीक है। तो निकालिए कितना इलास्टिक डिमांड कितना होगा, ये हो गया हमका हमारा 10, ये हमारा 1 हो गया इंटू 10 अपॉन 50, तो कितना हो गया 100 अपॉन 50 2, कितना 2 आ गया हमारे यहाँ पर। तो इलास्टिक डिमांड कितना हो गया 2 हो गया।